हेलो, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मल लेटर 4। बच्चों, ये जो पत्र है हम किसके लिए लिख रहे हैं, इसके लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो चलते हैं, आइए क्वेश्चन की तरफ। सपोज यू आर अविनाश यादव, मान लीजिए कि आप अविनाश यादव हैं, स्टूडेंट, एक विद्यार्थी ऑफ क्लास 9th इन GSSS रामनगर। योर क्लास वॉन्ट्स टू प्ले ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच विद क्लास 10th ऑन द स्कूल प्ले ग्राउंड। कि मान लीजिए कि आप अविनाश यादव हैं, आपकी कक्षा और आप कक्षा 9 के विद्यार्थी GSSS रामनगर में पढ़ते हैं। आपकी क्लास कक्षा 10 के साथ में एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलना चाहती है, वो भी स्कूल के प्लेग्राउंड पर। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य जी को, रिक्वेस्टिंग हिम, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए टू अलाउ यू, कि वो आपको अलाउ करे, परमिशन दे टू प्ले ए फ्रेंडली मैच, एक फ्रेंडली मैच खेलने के लिए आपको अनुमति दे। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेटर के लिखने वाले का एड्रेस लिखेंगे। तो एड्रेस मैंने यहाँ लिखा है सरस्वती हॉस्टल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर, यानी कि ये जो सरस्वती हॉस्टल हैं ये इस स्कूल के अंतर्गत हैं। तो इस स्कूल में इस हॉस्टल में वो बच्चा रहता है, यहाँ से वो पत्र लिख रहा है। पत्र लिखा जा रहा है 5 नवंबर 2020 को, ठीक है। ये तो पता हो गया लिखने वाले का, सरस्वती हॉस्टल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर, और पत्र लिखा जा रहा है 5 नवंबर 2020 को। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, टू गेट परमिशन, परमिशन लेने के लिए टू प्ले ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच, कि मतलब ये जो हम पत्र लिख रहे हैं इसका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा परमिशन लेना, टू गेट परमिशन। अब परमिशन किस चीज़ के लिए, टू प्ले खेलने की, क्या खेलने की, ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच, एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलने की परमिशन लेनी है। तो देखिए, मैंने थोड़ा एक हटके ही थोड़ा सा अलग हेडिंग का प्रयोग किया है, जरूरी नहीं है। आपको यदि पहले सरल वाली याद है तो आप वो भी कर सकते हैं, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट वाली कर सकते हैं, आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन वाली कर सकते हैं, है ना। और अब मैंने यहाँ थोड़ा हटके एक हेडिंग ली है, वो है विद ड्यू रेस्पेक्ट, नम्र निवेदन है कि, इसका भी अर्थ वही निकलता है कि रेस्पेक्ट से, विनम्रता के साथ। आई बैग टू से दैट, देखिए गौर से देखना मैंने क्या किया, जंप लगाया है, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू से दैट, ठीक है ना, ये तो आप करते आ रहे हो, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट। तो यहाँ आई के बाद में क्या किया है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मतलब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन किसकी तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ, की तरफ से, क्लास 9th एंड 10th, कक्षा 9 और 10 की तरफ से कर रहा हूँ, मतलब ये मेरे साथ हैं या मैं इनके साथ हूँ, यूँ समझ लीजिए कि इनकी तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि कोई जैसे गलती कर देता है तो कहता है ना कि इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, तो ठीक उसी प्रकार से है कि वो सारे जो विद्यार्थी हैं वो खेलना चाहते हैं, तो इन सारों की तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वो वाली बात है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू से दैट के बीच में हमें बिठाना है ऑन बिहाफ ऑफ, की तरफ से, की तरफ से, किसकी तरफ से, ऑफ क्लास 9th एंड 10th, कक्षा 9 और कक्षा 10 की तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। क्या रिक्वेस्ट करता हूँ, कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अवर क्लास, हमारी कक्षा स्टूडेंट्स, अवर क्लास स्टूडेंट्स, या यूँ भी कह सकते हैं द स्टूडेंट्स ऑफ अवर क्लास, इसको हम ज़्यादा बेटर यूँ रहेगा, द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, यूँ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, या आवर क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है, भावार्थ वही निकलता है कि आवर क्लास स्टूडेंट्स, हमारी कक्षा के विद्यार्थी,
वांट चाहते हैं, हमारे कक्षा के विद्यार्थी चाहते हैं टू प्ले खेलना ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच, एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, आवर क्लास स्टूडेंट्स हैं, वो वांट चाहते हैं, क्या चाहते हैं, टू प्ले ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच, एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं विद के साथ, किसके साथ, मैं तो नाइन्थ में पढ़ता हूँ, तो नाइन्थ के जो विद्यार्थी वो खेलना चाहते हैं किन के साथ, विद के साथ, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के साथ एक फ्रेंडली मैच खेलना चाहते हैं ऑन आवर स्कूल प्लेग्राउंड, और वो भी हमारे स्कूल के प्लेग्राउंड पर, और कब खेलेंगे, ऑन दिस संडे, इसी संडे को खेलेंगे, ठीक है ना, इसी संडे को, यानी आने वाले जो कमिंग संडे है, आने वाला जो संडे है, उसी संडे को हमारे विद्यालय के प्लेग्राउंड पर हम, यानी हम कौन, हमारे क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के साथ एक क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं, वो भी फ्रेंडली फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं, ठीक है, ये तो हमारी इच्छा हो गई कि हम चाहते हैं। अब आगे क्या है, ऑन बिहाफ ऑफ की तरफ से, वो अगेन दोबारा से आ रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ की तरफ से, बोथ द टीम्स, दोनों टीमें किन किन की टीमें हो गई, कक्षा 9 की टीम हो गई और कक्षा 10 की टीम हो गई, कि ऑन बिहाफ ऑफ की तरफ से बोथ द टीम्स, दोनों ही टीमों की तरफ से, आई मैं अश्योर करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, आई अश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दैट कि, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वी विल प्ले, हम खेलेंगे इन ए फ्रेंडली एंड डिसिप्लिनड वे, एक बड़े ही फ्रेंडली और डिसिप्लिन तरीके से खेलेंगे, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं करेंगे, हम बहुत ही डिसिप्लिनड वे से खेलेंगे और बहुत ही फ्रेंडली तरीके से खेलेंगे। आई इन्वाइट, और मैं आप, आई इन्वाइट करता हूँ, मैं इन्वाइट करता हूँ ऑल द स्टाफ मेंबर, सभी स्टाफ के सदस्य, जिसमें टीचर्स हैं, जो भी सारा जो स्टाफ है, उन सबको मैं आमंत्रित करता हूँ टू एन्जॉय द मैच, कि आप मैच का एन्जॉय करें एंड चीयर अस, और हमारा मनोबल बढ़ाएं, चीयर करें हमें, मतलब और हमारा जो मतलब वो प्रोत्साहित करना, मनोबल बढ़ाना, कि हमें मनोबल, हमारा मनोबल बढ़ाएं, इसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप भी मैच में आएं और मैच को देखें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। काइंडली ग्रांट अस, कृपया दे दीजिए परमिशन, कृपया हमें अनुमति दीजिए टू प्ले ए फ्रेंडली मैच, ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच, कृपया हमें एक फ्रेंडली मैच खेलने की अनुमति दे दीजिए, थैंकिंग यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यूअर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य अविनाश यादव, कैप्टन, कि मैं कैप्टन हूँ और कैप्टन के होकर के, कैप्टन के रूप में मैं आपका विद्यार्थी भी हूँ, आपका आज्ञाकारी शिष्य भी हूँ, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप अनुमति दे दीजिए। अब बच्चों देखिए, यहाँ बात आती है कि हमने मतलब लिख लिया है, सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आप उनको लिख लीजिए, उसके बाद में आप रीडिंग कीजिए, और पॉइंटों से, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, उसी प्रकार से पॉइंटों से आप याद करना, पॉइंट समझें और पॉइंटों से खुद बनाएं, रटे नहीं, रटना नहीं है, बनाना है, आपको खुद को बना बना करके सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे पहला जाएगा वो बैग, पहला पॉइंट है आई बैग टू से दैट, तो बैग टू से दैट वाला जाएगा, ठीक है ना, पहला पॉइंट बैग टू से, इसको आप किस प्रकार से लिखते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट भी लिख सकते हो, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू से दैट लिख सकते हो, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई ऑन बिहाफ ऑफ क्लास नाइन्थ, है ना, ये भी लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद में वांट टू प्ले बन जाएगा, है ना, कि आई वांट टू प्ले, वांट टू प्ले मतलब खेलना चाहते हैं, कौन खेलना चाहते हैं, अवर क्लास स्टूडेंट्स चाहते हैं, कि अवर क्लास स्टूडेंट्स वांट टू प्ले खेलना चाहते हैं, क्या खेलना चाहते हैं, ए फ्रेंडली मैच, किसके साथ खेलना चाहते हैं, विद द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ, कहाँ खेलना चाहते हैं, मतलब इनका जवाब देते चलो, कहाँ खेलना चाहते हैं, ऑन अवर स्कूल प्लेग्राउंड, कब खेलना चाहते हैं, ऑन
नेक्स्ट या ऑन दिस संडे। तो इस प्रकार से आप अपने आप से क्वेश्चन करो, उत्तर दो, बनता चला जाएगा, ठीक है। अगला है, आप विश्वास भी दिलाओगे, ठीक है ना, कि मैं अश्योर करता हूँ, विश्वास दिलाना है ना, तो क्या जाएगा, आई अश्योर यू या ऑन बिहाफ ऑफ द टीम्स, दोनों आप कर सकते हो। अगर मान लो ये बाय द वे याद नहीं होता है आपका, ऑन बिहाफ ऑफ द बोथ टीम्स ये याद नहीं होता है, तो आप कर सकते हो आई अश्योर यू, ठीक है ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। किस बात का विश्वास दिलाता हूँ, कि वी विल प्ले, हम खेलेंगे ए फ्रेंड इन ए फ्रेंडली एंड डिसिप्लिनड वे, कि हम बिल्कुल फ्रेंडली और डिसिप्लिनड वे में खेलेंगे। फिर उसके बाद में इनवाइट वाला करना है, ठीक है ना, कि मैं आपको इनवाइट करता हूँ, ठीक है ना, किन किन को करता है, क्यों करता है, तो देखिए आई इनवाइट, मैं इनवाइट करता हूँ, किसको इनवाइट करता है, ऑल द स्टाफ मेंबर, क्यों, कि टू एन्जॉय करने के लिए, और एन्जॉय के साथ साथ चीयर अस, है ना, एन्जॉय किसका करना है, द मैच, मैच का एन्जॉय करना है, चीयर अस हमारा मनोबल बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद में काइंडली वाली लाइन आ जाएगी, कि काइंडली ग्रांट अस परमिशन, ठीक है ना, परमिशन किसके लिए, टू प्ले खेलने के लिए, क्या खेलने के लिए, ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच, ठीक। और फिर वो यूअर से ओबीडियंटली, फिर आपका नाम आ जाएगा, और फिर आप क्या हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट बताओ, कैप्टन हो तो कैप्टन बताओ, कौन सी क्लास में, जो भी आप, ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हो। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि आपने यदि थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो लेटर आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। आप इस लेटर को देखिए, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए कि कहाँ कहाँ त्रुटि है, कहाँ कहाँ आपको नहीं समझ में आया है, वो मुझे ज़रूर बताएं। और आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस पढ़ाऊँ, अच्छे अच्छे मतलब टॉपिक पढ़ाऊँ, बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने मित्र को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।